पे गुजर गए सभी मेरे दिल से उतर गए। मेरा दुख है मेरे भरोसे का, मेरे सारे रंग बिखर गए। रंग दिल आने वाला होगा। अरे हाँ हाँ यार, मैं जानता हूँ भाई, तुम्हें मुझसे ज्यादा फिक्र है कि मायरा की शादी के तमाम तर मामलात ऐसे तरीके से हल हो जाए। तो फिर आखिर तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? अरे यार, तुम्हें तो पता है आमना आपा जरा तेज मिजाज के हैं, तुम्हें हर काम अपनी मर्जी के चाहिए, ऐसा ना हो तो बिगड़ जाते, बस इसी बात की परेशानी है। भाई मेरी भी आप आए, वो तुम उनकी ज्यादा फिक्र मत करो, इसलिए चीज की जरूरत है तो मुझे बता देना। समझ में नहीं आता तुम्हारे इतने एहसानात का बदला मैं कैसे चुकाऊंगा। शुक्रिया बात है भाई, दोस्तों में एहसान नहीं होता है, मान होता है और भरोसा होता है। आप उनसे ये तो पूछिए कि आदिल उनको एयरपोर्ट लेने गया कि नहीं। हाँ वकार, अपना आदिल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गया ना? हाँ, तो बस वो पहुंचने ही वाला होगा तुम्हारे घर, काफी देर हो गई उसको निकले हुए घर से। हमारी तरफ? हाँ, तो तुम्हारे भी तो एयरपोर्ट जाना था ना, उसे पिक करेगा। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक। अच्छा वकार, जब वो लोग पहुंच जाए और ताजा दम हो जाए तो आप सब लोग इधर ही आ जाना, डिनर मिलके करेंगे। अल्लाह हाफिज। मैं जरा जाके चाय का इंतजाम देख लूंगी। क्या बात है। ये तुबा भी अजीब है, एयरपोर्ट जाने का प्रोग्राम बना लिया उसने, मुझे बताया था कि मुझे बताया था बल्कि मुझसे पूछा था और मेरी इजाजत से ही जा रही है। आप भी ना उसे बिगाड़े, क्या जरूरत थी उसे एयरपोर्ट भेजने की? और अगर आमना आपा ने बुरा मना लिया तो? अरे नहीं बुरा मानेंगे भाई, तू वो ने खुद हैंडल कर लेगी, आप फिक्र न करें और जाके
डिनर की फिक्र कीजिए, यहीं आएंगे वो। जाती हूँ, तान्या और गीति कर रहे हैं सारा इंतजाम। चल चले। जल्दी करें ना, बहुत देर हो रही है। अगर हमारे पहुंचने से पहले आमना पप्पू की फ्लाइट पहुंच गई ना, तो पूरे एयरपोर्ट पे हंगामा खड़ा कर देंगी वो। हाँ तो कब से इधर उधर भाग रही है, जरा पहले तैयार हो जाती। बस ये लो, बन गए तुम्हारे बाल। मेरे बाल तो बन गए, लेकिन ये आदिल कहाँ है? हमेशा लेट हो जाता है, कभी टाइम पर नहीं आता। अरे भाई, किसने तुम्हें गीत करवा दिया? हाँ क्या, बड़ा हीरो बन गया क्या? अरे क्या तुम हर वक्त मेरी फोटोग्राफ्स खींचते रहते हो? कोई और काम नहीं है तुम्हें? चॉकलेट मुझे दो। मैं अभी देख रही हूँ ये दुनिया कितनी मतलबी होगी। अच्छा चलो, देर हो रही है। अच्छा जरा ध्यान से जाना, ज्यादा फास्ट ड्राइव मत करना। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो चलो। तो बाय। दोनों भी ना बच्चों की तरह लड़ते रहते हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे। खाला जान, जरा चक्कर बताइए कोरमा कैसे बनाए। अरे गीति, मुझे चक्कर की क्या जरूरत, खाना तो तुम इतना उम्दा बनाती हो। बल्कि तुम्हारे हाथ में ना तुम्हारी महिमा माँ की हाथ जैसे सफेद है। खाला जान, रात के खाने के लिए पुलाव की यखनी बना लिए। रात को खाने से पहले ही दम लगाऊंगी ताकि गरम गरम पुलाव सर्व हो सके। सही। और अम्मा, मैंने भी फ्रूट राइफल बना के फ्रिज में रख दी है। मोइज भाई को फ्रूट राइफल बहुत पसंद है ना? हाँ हाँ, मोइज और फाइज दोनों को मीठा बहुत पसंद है। तो पप्पो की भी फ्लाइट आ चुकी होगी। हाँ मेरा ख्याल है खैर से पहुंच चुकी होंगे। लाई मैं रख देती हूँ। देखो बेटा जरा इसमें जरा शरबत को। अच्छा मैं। बात सुने मेरी, अभी तक तैयार ही नहीं हुए, सब पहुंच गए होंगे वकार भाई। क्या मेरा सांस ले लो, मुझे कौन से 16 सिंगार करने हैं। क्या बात है, आप मुझे कुछ परेशान है? परेशानी तो होगी ना इस महंगाई के दौर में, एक श्वेत पुरुष आदमी के लिए बेटी ब्याहना कोई आसान काम तो नहीं होता। जानती, मुझे लगता है कि शादी हॉल वालों से आपकी बार्गेनिंग नहीं हुई। बस अच्छी बात है, मैंने खुद बार्गेनिंग की। मैं ये ना हो बार्गेनिंग के चक्कर में, दो पैसों के चक्कर में आके वो अरेंजमेंट को गड़बड़ कर दे या मेन्यू खराब कर दे। मैंने उनसे कहा भाई पैसे आप हुई लीजिएगा, बस अरेंजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये बात तो है, बस ये शुक्र करें कि आमना आपा वकार भाई के यहाँ ठहरने पे राजी हो गई। अगर इन्हें हमें ठहराना पड़ता ना तो हमारा खर्चा और होता। हाँ ये बहुत अच्छा हो। बस अच्छी बात यह है वकार तो भाइयों से बढ़ के। तो देखो आदिल की शक्ल में अल्लाह ने जैसे हमें एक बेटा दे दिया, तो कैसे बढ़ चढ़ के शादी में हिस्सा ले। आप लीजिए। अरे सलमा, तुमने तो बहुत तकल्लुफ कर डाला, इस सब चीज की क्या जरूरत थी? अरे आपा तकल्लुफ कहाँ, आप पहली बार तो हमारे घर आई, वरना तो हमेशा आप आती हैं उबैद भाई के यहाँ ही रहकर वापस चली जाती हैं। हाँ वैसे ये तो है, ये बात तो ठीक कह रही है। मामा मैं कह रहा था कि हम लोग फ्रेश हो जाएं, उसके बाद मामू की तरफ भी जाना है। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, उबैद तो बहुत बेचैनी से हमारा इंतजार कर रहा होगा। आंटी थैंक यू वेरी मच, आपने चाय का इंतजाम किया, हम लंबी फ्लाइट की वजह से काफी थक गए थे। फील एट होम, बल्कि ऐसा करती हूँ मैं आप लोगों को आपका कमरा दिखा देती हूँ। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं, तूबा है ना बता देगी। जी जी पप्पो, आए आप लोग। सर ये देखो तूबा, ये सूट कैसा है? अरे वाह पप्पो, अमेरिका में भी इतने काम वाले सूट मिलते हैं? अरे बेटा अमेरिका में अब सब कुछ मिलता है, वहाँ पर इंडियन और पाकिस्तानी बहुत से बुटीक्स हैं। वाह भाई ये तो बहुत ही कमाल की बात है। पोपो ये मैं इस्त्री कर दूं आपको? श्योर। जी पोपो क्यों नहीं, बल्कि इस्त्री करके हैंग भी कर देती हूँ। काश मेरी भी इतनी प्यारी बेटी होती जो मेरा इतना ख्याल रखती। अरे पोपो मैं आपकी बेटी की तरह ही तो हूँ। क्यों नहीं बिल्कुल।
ये मैसेज कर। बेटी नहीं, तुम भी मामा की बहू बनने वाले हो। एंड यू नो व्हाट, मामा आज मामू के पास आ रही है तुम्हारे रिश्ते में। क्या क्या मतलब क्या, तुम जानती हो भाई कितने कमजोर हो गए बे तुम, वो अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखता। मुझे लग रहा है तुम्हारी शुगर बहुत हाई है। अरे नहीं आपा, बिल्कुल फिट हूँ, दिनों बाद मिले ना इसलिए आप कैसा लग रहा है। आपा कोई फिट फिट नहीं है, ये इनकी शुगर हाई रहती है। मीठा खाना छोड़ेंगे तो शुगर सही होगी ना, आपको पता है ये छुप छुप कर बच्चों की तरह मीठा खाते हैं। वो बैद बहुत बुरी बात है, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। अरे इस घर के करता धरता तुम ही हो, कोई तुम्हारा बेटा थोड़ी बैठा है जो तुम्हारा बाजू बन जाएगा। सब कुछ तुम्हें ही करना है। अरे पप्पू इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना इनका बेटा, मैं रखूंगा इनका ख्याल। देखो आदिल बेटा, बुरा मत मानना, लेकिन मुंह बोले रिश्ते मुंह बोले ही होते हैं। देखो बेटा, जो मान जो आसरा अपनी जन्म की भी औलाद का होता है ना, वो किसी और का नहीं होता। पप्पू आप शायद भूल रही हैं, बाबा ने हमेशा मुझे अपना बेटा समझा है, कभी बेटी नहीं समझा। क्यों बाबा, ठीक कह रही हूँ ना? अरे हाँ बेटा बिल्कुल, और वैसे भी जमाने में अब बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं रह गया। मेरी तीनों बेटियां आपा मेरे बेटे हैं। अरे उबैद अल्लाह इन्हें सलामत रखे, लेकिन तुम भूल रहे हो। देखो बेटियां जो होती है ना पराया धन होती है, इन्हें ब्याह कर दूसरे के घर जाना होता है, जबकि बेटे बहुएं ब्याह कर अपने घर लेकर आते हैं। पप्पू लेकिन क्या ये जरूरी है? ओहो भाई आप लोग किस बहस में लग गए हैं, आप लोग ऐसा करें जल्दी से फ्रेश हो जाएं, फिर माइयों की रस्म करते हैं, फिर खाना लगा लेंगे। इतना लंबा सफर करके आए, भूख तो लग गई होगी आप लोगों को। हाँ भाई थक तो हम बहुत गए, लेकिन मैं सबसे पहले अपनी बेटी मायरा से मिलूंगी। पता नहीं तुम लोगों ने उसे कहाँ छुपा के रखा हुआ है, देखूं तो सही मेरी बेटी कैसी लग रही है। असल में जल्दी से आ जाओ, वो लोग खाने पर इंतजार कर रहे होंगे। मैं बस जरा घर समेटने में लगी थी इसलिए देर हो गई। ये देखें आदिल ने कफलिंग का रखे, इतनी कीमती चीजें इधर उधर रख देता है और बाद में जब नहीं मिलती तो नौकरों पे गुस्सा करता है। सलमा ये सारी लापरवाही तुम्हारी वजह से, तुम्हारे लाड प्यार ने उसको बिगाड़ दिया है। अच्छा आप चले ना, मैं ये रख के आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना, मैं इंतजार कर रहा हूँ गाड़ी में बैठा। माशाल्लाह मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है, इतना रूप चढ़ा है इसके पर, लग रहा है रोजाना खूब उबटन लगा रही है। अरे आप रोजाना कहा, जबरदस्ती तूबा ने जोड़ा पहनाया और जबरदस्ती तानिया और ज्योति ने इसको उबटन लगाया, वरना तो ये सर झाड़ मुंह झाड़ थे देती। अरे माशाल्लाह मेरी बेटी तो है इतनी प्यारी इतनी गोरी, इसे उपटन शुपटन की क्या जरूरत है, ये तो बस पुराने लोगों की एक रस्म है जो करनी पड़ती है। बस आपा हम अपने दिल का टुकड़ा आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आप इसका खास ख्याल रखिए। अरे खतीजा कैसी बातें कर रही, तुम्हारे दिल का टुकड़ा मेरे कलेजे की ठंडक है, बल्कि मैं तो कहूंगी अपने दिल का दूसरा टुकड़ा भी मेरे हवाले कर दो। क्या कह रही आप? कुछ नहीं खतीजा, बस मैंने तो ऐसी तुम्हारे सामने एक सवाल रखा है, बाकी मेरी सिफारिश मेरी बेटी मायरा कर देगी। जी तो मैं नहीं भाई, तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। वहाँ परदेश में हजारों मील दूर तुम उदास भी ना हो और तुम्हारा दिल लगा रहे, और फिर तुम्हारी देवरानी से तुम्हारा झगड़ा भी नहीं होगा। अगर तुम ये चाहती हो तो अपनी माँ से मेरे मुइस के लिए तूबा को मांग लो।
दुबा की तस्वीरें आदिल की अलमारी में, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुबा की तस्वीरें सिर्फ आदिल की अलमारी में ही नहीं उसके दिल पर भी लगी हुई हैं। मैं आदिल के पापा से बात करती हूँ। पापा आप ये क्या कह रही हैं? तुबा और मुइस? क्यों खदीजा, मैंने कोई गलत बात कह दी क्या, या तुमने तुबा के लिए कोई और लड़का देख रखा है? नहीं नहीं आपा, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई बात नहीं है ना, तो तूबा भी मेरी है। अम्मा मैं जरा तूबा आपी और गीती आपी की हेल्प करवा दूं, देखूं उन्होंने खाना लगाया कि नहीं। हाँ बेटा तुम जरा आदिल भाई को फोन करो कि वकार भाई कहाँ रह गए, वो आएंगे तो खाना लगेगा ना। जी अम्मा कहती हूँ। फायज भाई आपकी मायों का फंक्शन यहीं पे करेंगे और यकीन करें कि ऐसे जबरदस्त अरेंजमेंट्स करेंगे कि ये पूरा घर बदल के रखें। अच्छा यहाँ पे? जी मैंने तो सुना था कि पाकिस्तान में फंक्शंस बड़े बड़े बैंक्वेट हॉल्स में होते हैं। जी फायज भाई कह तो आप ठीक रहे हैं, पाकिस्तान में अब लोग बहुत बदल चुके हैं, अब तो शादियों पे पता नहीं क्या कुछ होता है यहाँ पे, लेकिन हमारी फैमिली खालिस पाकिस्तानी फैमिली है, इतनी ब्रॉड माइंडेड है नहीं। और खदीजा आंटी का भी इसरार है कि चूंकि मेहंदी और माइयों खालिस्तन घर के फंक्शंस हैं तो इनको घर की चार दीवारी नहीं करें तो बेहतर। राइट वैसे कमाल है यार, तुम्हें तो खुद एक दादी नानी की रूह है। मायरा आपकी मेरी बहन, और यहाँ पर भाई भी बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे हमारी माएं होती हैं। आप तीनों यहाँ बैठे हैं और मैं कब से पूरे घर में आप लोगों को ढूंढ रही हूँ। और मुइज भाई आप तो मेरे साथ चले। उठे मुइज भाई। अरे क्या हो गया? उठे आदिल भाई आप प्लीज फाइज भाई को अंदर ले जाएंगे, बाबा और भाई भी अकेले बैठे हैं। चलो चलूं मैं इसमें। अरे क्या हुआ क्या? इतने चालाक हैं आप, अंदर ही अंदर इतनी प्लानिंग्स करते रहे और आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरी बात अच्छा मेरी मेरी बात तो सुनो। देखो सलमा मैं आदिल और तूबा के बारे में तुम्हारे ख्यालात से 100% मुत्तफिक हूं, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि तुम जल्दी में खदीजा भाभी से कोई बात ना करो इस सिलसिले में। मगर क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, इससे पहले कि हम ऐसा कोई कदम उठाएं मैं आदिल से अकेले में बात करना चाहता हूं। गैर आदिल से बात करने की जरूरत क्या है, उन दोनों की दोस्ती तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल नहीं रहते। बल्कि मैं तो ये चाह रही थी कि मायरा की शादी के फंक्शन में ही हम अपने आदिल की कोई रस्म ना कर दें। ठीक है लेकिन आज रात को मैं पहले आदिल से बात कर लूं उसके बाद। चलिए जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू। हाँ तो गीती आपी आपने कल शॉपिंग पे जाने के लिए सारी लिस्ट बना ली है ना? भाई जो कुछ भी तुमने बताया था उस सब मैंने नोट कर लिया है। भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, एक दफा अपनी लिस्ट दोबारा से चेक कर लें आप, फिर इतने से काम के लिए चक्कर मेरे लगते हैं बाजारों में। मैंने सब कुछ नोट कर लिया है और कल तो हम सभी शॉपिंग पे चलेंगे, तुमने थोड़ी ना अकेले जाना। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारी और तूबा की पुरानी आदतें चीजें भूलने की, और तूबा की तो हजार चीजें होती हैं लेने वाली, तो तुम उससे पूछ लो एक दफा दोबारा। वैसे तूबा नजर नहीं आ रही, कहां पर है? तूबा अभी कॉफी बना रही थी तो आई थिंक किचन में ही होंगी। ओ अच्छा मैं देखता हूँ। तुम्हारा भी तूबा के बगैर एक मिनट गुजारा नहीं, तुम बस देख देख के चलती रहना, खुश ना होना हमसे। मेरी नजरें तो तुम्ही पर लगी रहती हैं।
मगर तुम होगी, इनका मतलब ही नहीं समझते। काश कभी तुम भी मुझे ऐसे ही नजरों से देखो। दीदी आप ही मुझे लिस्ट चेक कराना, सब लिख लिया था। जाओ ना यहाँ से, कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? जाओ ना प्लीज। तो मेरी बात का जवाब दे दो, मैं अभी चला जाऊं। किस बात का जवाब? यही कि तुम भी मुझसे नफरत करते हो। मैं? ओह कम ऑन तुबा, आखिर तुम्हें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है? और मेरी एक बात तुम लिख लो, तुम मुझे मेरी बात का जवाब नहीं दोगी तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा तुम्हें देखकर। तो फिर ठीक है, मुझसे भी ये कॉफी नहीं बनने वाली, मैं तानिया से कहती हूँ वो बना दे। तुबा प्लीज, हाँ कर दो, क्योंकि अगर तुम हाँ नहीं करोगी तो मैं मामा को कभी नहीं बोलूंगा तुम्हारे से बात। तो ये तो और भी अच्छी बात है, वो बाबा से बात ही नहीं करेंगे। मतलब कि मैं ना ना समझू? मैंने ये भी नहीं कहा। सुबह एक बात मेरी सुन लो, अगर तुमने इनकार किया ना तो मैं अभी जाके सुसाइड कर लूंगा। और क्या तुम चाहोगी कि मैं एक हराम हो कर? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? इसका मतलब है कि मैं मामू से कह दूं कि मामू से बात कर। अरे ये क्या चल रहा है सुबह? वो कॉफी तुम बना रही हो या मोइस? आ गया कबाब में बेटी। क्या मुझसे कुछ कहा तुमने? नहीं, मुझे लगा तुम्हारे कान बज रहे। मुइस वैसे मुसलमान खुदकुशी नहीं किया करते। तो अगर किसी इंसान के पास जीने का सहारा नहीं होता ना तो उसे कुछ अच्छा भी नहीं लगता, इवन जिंदगी भी नहीं अच्छी लगती। जो लोग अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है। ये किस किस्म की बातें हो रही थी? सुसाइड कौन करने लगा है? वो मुझसे एक फ्रेंड है, किसी के इश्क में डूब गया है तो उसी का बता रहा था मुझे। खैर तुम खड़े क्यों हो भाई, कॉफी बनाने में हेल्प नहीं करोगे मेरी? क्यों नहीं, तुम पियोगे? हाँ श्योर, तुम बनाओगी तो पियोगे। बस बस उबैद, तुम लोग तो परेशान हो गए, तुम लोग तो ऐसे सोच में पड़ गए जैसे मैं कोई गैर हूँ। नहीं नहीं आपा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। भाई तुम लोग बिल्कुल मेरे ऊपर भरोसा रखो। अरे जैसे मेरे लिए मायरा है इसी तरह तूबा है, तुम्हारी दोनों बेटियों को अपनी आंखों का नूर बना के रखूंगी। अब आपसे क्या कहूँ, आपको इनकार भी तो नहीं कर सकते। हाय मेरा भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। उबैद तुम्हें मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। खदीजा तुम्हें भी मुबारक हो। देखो तुम ये नहीं सोचो कि तुम अपनी दोनों बेटियां मुझे दे रही हो, अरे मैं भी तो अपने दोनों बेटे तुम्हारे बना रही हूँ। जी आपा, खैर मुबारक हो, बस अल्लाह ताला हम सबके लिए बेहतर करे इंशाअल्लाह ताला। मैं मुइस को तो ये खबर सुना दूं जाके, बल्कि मिठाई मंगाती हूँ मैं, अभी आई। देखो बेटा आदिल,
शादी के लिए सिर्फ यही जरूरी नहीं है कि तुम तूबा को पसंद करते हो, हमारे लिए यह जानना भी जरूरी है कि तूबा भी अपने दिल में वही जज्बात रखती है जो तुम्हारे दिल में है उसके लिए। क्या मतलब है पापा? तूबा भी मुझे चाहती होगी, हम लोग बचपन से दोस्त हैं और इस दोस्ती को मीठा, मैं तुम्हारी बचपन की दोस्ती की बात नहीं कर रहा हूं, बात है अब मोहब्बत की। बेटा वन साइडेड लव कभी कामयाब नहीं होती। मैंने बेशुमार शादियां ऐसी देखी हैं जो नाकाम हो जाती हैं बहुत बुरी तरह। वकार कैसी बातें कर रहे हैं? अरेंज मैरिजेस हमारे यहाँ भी कामयाब होती हैं। और फिर आदिल तो तुबा को शिद्दत से चाहता है कि दोनों बहुत खुश रहेंगे। बेवकूफों वाली बातें मत किया करो सर। आदिल बेहतर है कि तुम तुबा से बात कर लो। बेटा जरूरी नहीं है कि तूबा भी तुम्हें उसी तरह चाहती हो जैसे तुम चाहते हो। हो सकता है वो तुम्हें महज अपना एक दोस्त समझती हो, बहुत अच्छा दोस्त। अच्छा पापा ठीक है, मैं तूबा से बात कर लूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करें कि आप मेरा प्रपोजल लेके जाएंगे ना वहाँ। बेटा मैं तुम्हारा प्रपोजल लेकर जाऊंगी और उस वक्त तक वहाँ सवाली बन के बैठी रहूंगी जब तक वो हाँ नहीं कहती और अंगूठी पहना कर ही आऊंगी। जो तुम्हारे दिल में आए कर लो, लेकिन पहले आदिल को तूबा से बात कर लेने दो। आदिल जब तुम मुझसे इतना शिद्दत से चाहते हो तो फिर इजहारे मोहब्बत करने में क्या कबाहत है? अच्छा ठीक है, मैं उससे कल बात करूंगा फोन पे, लेकिन सुबह, और मुझे यकीन है कि उसका आंसर हाँ मिलेगा। सभी जो तुम दोनों का दिल चाहे। मुझे तो लगता है मुझमें कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा उसे ये बात करने का। तुम उसे बात करोगी ना? सिर्फ तुम ही उसे बात कर सकती हो, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे दिल का हाल उस तक पहुंचा सकती होगी। दीप मैं कैसे? भाई क्योंकि तुम ही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तूबा के बाद अगर मेरे दिल से कोई करीब है तो सिर्फ तुम होगी थी। मुझे यकीन है कि तुम उससे बात जरूर करोगी। करोगी ना उससे बात? कीती, तुम कितनी अच्छी होगी थी। अच्छा मैं अब चलता हूं और मैं तुम्हारी गुड न्यूज का वेट करूंगा, कॉल करके बताना मुझे, और मामा को कहूंगा कि तूबा के लिए शॉपिंग स्टार्ट करें। चलता हूं आंटी को सलाम कह रहा। सी यू। हाय आदि, तुम तूबा को चाहते हो? और मैं तो बरसों से ये समझ रही थी कि तुम मुझे चाहते हो, लेकिन तुम जिसे चाहते हो वो तो किसी और को पसंद करती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम तो ये बात बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। आदिल तुम्हें क्या हो गया? आदिल तुमने क्या किया?
अरे आपने बताया ही नहीं मुझे, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी, मेरी बहन तो है ही सबसे खूबसूरत। मायरा आपी, आपको पता है तुबा आपी आज इतना ब्लश क्यों कर रही हैं? क्यों ब्लश कर रही हूँ? अरे आपके और मोइस भाई की बात जो पक्की हो गई है आज, आखिर आपकी मोहब्बत को भी मंजिल मिल ही गई। बकवास नहीं करो तुम। अरे क्या मैं सच ही तो बोल रही हूँ, बताए ना गीती आपी। हाँ। अरे हाँ, कि तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बजे हुए हैं भाई? जब से हम लोग बाजार से वापस लौटे हैं, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? हाँ गीती, तुबा बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी मैं ठीक हूँ। अरे तो फिर जाओ ना, फ्रेश हो जाकर, कपड़े पहनो, तैयार हो। ये नहीं जाएगी ऐसे, चलो मैं लेके चलूँ। उठो उठो ना, चलो। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं सच्ची जाऊं, मेरा बेटा बिल्कुल शहजादा लग रहा है। तुबा की तुम्हारी जोड़ी बहुत सजेगी। Really? अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपने खदीजा आंटी से तो बात कर ली थी ना? ये बेटा बात क्या करनी है, सीधा जाकर अपना हक जताऊंगी, उनसे कहूंगी कि जिस आदिल को वो अपना बेटा समझती हैं, उसकी मोहब्बत का मान रखें और तुबा का हाथ उसके हाथ में दे दे। Really? आप बिल्कुल ऐसे ही बात करेंगी जाके? क्यों, तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? अच्छा ये बताओ, तुमने तुबा से बात की, क्या कहा उसने? जी तुबा से बात कर ली थी मैंने, आप बस आंटी से जाके बात कीजिएगा, सब सही हो जाएगा। मुझे पहले से ही पता था कि तुबा का जवाब भी हाँ में होगा, भला मेरे बेटे से ज्यादा उसको चाहने वाला कहाँ मिलेगा, है ना? चले चले चले। अच्छा वो तुबा से बात कर ली थी ना? हाँ हाँ मैंने तुबा से बात कर ली थी। अच्छा मैं मायरा को लेने जा रही हूँ, रसम को देर हो रही है। नहीं मिला खदीजा से बात करने का, वो उसको फुर्सत नहीं थी, बात कर लूंगी तुझे कभी। आप ना मौका ही ढूंढते रहे बस। तुम परेशान मत हो, मैं कर लेती हूँ। खदीजा तुम भी आकर बेटी को मेहंदी लगाओ ना, सलमा भाभी को बुला लो, वो भी रसम कर दें।
मंसूबा, वो मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम ऐसा चलती हो थोड़ी देर? हाँ। क्या बात करनी है? बात तो वो दूबा से करनी है। एक्चुअली इसके लिए मैंने एक सरप्राइज रखा हुआ है। हम यहाँ पे सब लोगों के लिए एक सरप्राइज है। मुझे बात कर लेते हैं इससे। अब आदिल, तानिया, दूबा को बुलाओ ना बेटा। जी आओ ना बेटा, यहाँ आकर बैठो। आ जाओ उबैदुर्रहमान, अपनी दोनों बेटियों के सर पे शफकत का हाथ रखो। देखो तो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है। मामा आंटी क्या कर रही है? ये लो बेटा, अपने हाथ से अपनी होने वाली दुल्हन को पहनाऊंगी।